अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल माशाल्लाह हैदराबादी रेसिपीज़ में। आज हम बनाएंगे मटन मैखलिया। चलिए अब हम बनाना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले चूल्हे पे कुकर रख दी मैं। कुकर गर्म हो गया, अब हम इसमें डालेंगे 4 टेबलस्पून ऑयल। हम इसमें डालेंगे 2 डल्ली प्याज। प्याज को हम लाइट ब्राउन करेंगे। देखिए प्याज लाइट ब्राउन हो गई। अब हम इसमें डालेंगे गोश्त। गोश्त है ये 1/2 किलो। आप लोगों को जितनी क्वांटिटी में बनाना है उस हिसाब से ले सकते हैं। प्याज गोश्त 6 से 5 मिनट तक ऐसे हिलाते रहें गोश्त का पानी से पानी। नमक 1.5 टीस्पून, अदरक लहसुन 2 टीस्पून, मिर्ची 2 टीस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून। हम सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें 1 से 1.5 गिलास पानी डाल के गोश्त गलने के लिए ढक्कन लगा के रखेंगे। मैं 4 से 5 सीटी दे रही हूँ। आप लोगों का गोश्त कितने सीटी में गलता वो हिसाब से लगा ले सकते। चलिए अब हम मसालों को पीसेंगे। तिल 4 टेबलस्पून, खोपरा 3 टेबलस्पून, हल्दी 3 टेबलस्पून, प्याज 3 डल्ली। चलिए अब हम गोश्त को चेक करेंगे। देखिए माशाल्लाह हमारा गोश्त अच्छे से गल गया। अब हम फ्लेम को ऑफ करके कुकर को साइड में रख लेंगे। चूल्हे पर भगोना रख दी मैं। 3 टेबलस्पून ऑयल डाली। ऑयल अच्छे से गर्म हो गया। अब हम इसमें डालेंगे ज़ीरा, मेथी, राया। जो मसाले पीसे थे ना वो मसालों को भी डाल देंगे। अब हम मसालों को अच्छे से भुनेंगे। मसालों के ऊपर तेल आने तक अच्छे से भुनना। हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून मिर्ची, 1/2 टीस्पून हल्दी। अदरक लहसुन 1 टीस्पून। गोश्त में भी मसाले डाले थे ना नमक मिर्ची हल्दी अदरक लहसुन, इसलिए मैं इसमें कम डाल रही हूँ। अब जो मटन जो गला के रखे थे ना वो भी डाल देंगे। अब हम सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे खट्टा। सब अच्छे से मिक्स करके 15 से 20 मिनट पकने के लिए रखेंगे। जो मिक्सर में मसाले पीसे थे ना उसमें 1 गिलास पानी डाल के डाल देंगे। चलिए अब हम मीडियम फ्लेम पे 10 से 15 मिनट के लिए पकाएंगे। देखिए माशाल्लाह हमारा सालन बन के रेडी हो गया। अब हम इसमें डालेंगे कोथमीर, पुदीना, हरी मिर्ची। हम अच्छे से मिक्स करके फ्लेम को ऑफ करेंगे। मेरी रेसिपी आपको पसंद आई तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन को क्लिक करिए। दुआ में ख्याल रखिए। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।